हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, तो चलिए शुरू करते हैं। ढोकले बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी चने की दाल। आप कोई 1 कटोरी लें, उसी से सारा मेजरमेंट करें। दाल को चावल में मिला लें। दाल चावल को 2 घंटे तक गलाएं। अगर मौसम ठंडा हो तो गर्म पानी में गला लें। दाल चावल को ढक कर रखें। 2 घंटे हो गए हैं। अब दाल चावल में से पानी निकाल लें। दाल चावल को पीस लें। फूल को 2 घंटे तक रखें। 2 घंटे हो गए हैं। अब घोल में 1/2 चम्मच टाटरी, 1/2 चम्मच सोडा, 1 चम्मच नमक डालें। टाटरी में गर्म पानी मिला लें और घोल में डाल लें। थाली में अच्छी तरह से तेल लगा लें और थाली में घोल डाल लें। गैस पर तवेली रखें। तवेली में इतना पानी भरें कि 1/2 छन्नी डूब जाए। ढोकले को 25 मिनट तक तेज आंच पर रखें। थाली पर वजन रख दें जिससे भाप ना निकले। ढोकले सिक गई हैं। हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और नारियल की चटनी। 1 कटोरी चने की दाल को मध्यम आंच पर सेंक लें जब तक गुलाबी ना हो जाए। दाल को 2 घंटे तक गलाएं। 2 घंटे हो गए हैं। 1/2 नारियल, धनिया पत्ती 50 ग्राम, स्वाद अनुसार नमक, काला नमक 1/2 चम्मच, सौंफ 1/2 चम्मच, 2 हरी मिर्ची। सभी सामग्री को पीस लें। आधा नींबू को चटनी में अच्छी तरह मिला लें। गैस पर कढ़ाई रखें। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। अब सरसों और कड़ी पत्ता डालें। अब लाल हरी मिर्ची डालें और अच्छी तरह से मिला लें। अब ढोकले में बघार डाल लें। जो बघार ढोकले में डाला है वही बघार चटनी में डाल लें। देखिए ढोकले कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।